नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी को याद आए परिवार की, रोजगार को लेकर राहुल गांधी के सवालों की, बात करेंगे नोट के बदले वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वैज्ञानिकों के मोदी पर झूठे नैरेटिव सेट करने के आरोपों की, जानेंगे बीजेपी को क्यों जारी करनी पड़ी उम्मीदवारों की दूसरी सूची, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आम आदमी पार्टी को झटका, 15 जून तक दफ्तर खाली करने का दिया आदेश, कहा ये हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण, दफ्तर के लिए केंद्र से मांगे जमीन। चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन को मिली हार, बीजेपी के कुलदीप संधू बने सीनियर डिप्टी मेयर और राजेंद्र शर्मा बने डिप्टी मेयर। लोकसभा चुनाव के लिए 6 मार्च को आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट, 7 मार्च को कांग्रेस भी कर सकती है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, चुनाव समिति की बुलाई बैठक। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 66 अंकों की तेजी के साथ 73,872 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 27 अंक की तेजी के साथ 22,406 पर। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पटना महागठबंधन की जन विश्वास महारैली हुई, 3 मार्च को हुई इस रैली की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी, गांधी मैदान में लाखों लोग जुटे थे और इस दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवारवाद वाले आरोपों पर सफाई दी और इसके बाद अब पूरी बीजेपी मोदी का परिवार ढूंढ रही है, जिसके बाद पीएम सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने कहा था, पीएम मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला करते हैं, मैं पूछता हूं कि तुम बताओ कि तुम्हारी कोई संतान क्यों नहीं हुई, उनके पास परिवार ही नहीं है, वो हिंदू नहीं है, हिंदू अपनी माँ के श्राद्ध में दाढ़ी बाल बनवाता है, लेकिन पीएम ने ये काम नहीं किया। लालू की ललकार से पीएम मोदी बैकफुट पर दिखाई दिए और सोमवार को उन्होंने तेलंगाना में जवाब देते हुए कहा कि मेरा देश 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है, मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार है ही नहीं। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलना शुरू कर दिया, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने प्रोफाइल नेम चेंज कर दिया, अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया, लेकिन इससे पीएम मोदी ही बैकफुट पर आ गए। सुबह से ही सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी ट्रेंड कर रहा था और दोपहर होते हुए हैशटैग मोदी के गवार टॉप ट्रेंडिंग में आ गया है। लोग ब्रजभूषण, शरण सिंह, अजय मिश्रा, टेनी, जिन्होंने खुद को मोदी का परिवार बताया, उनके स्क्रीनशॉट लगाकर वायरल कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन की एक ही रैली से बीजेपी के होश उड़ गए हैं। साफ है कि इंडिया की ताकत के आगे अब बीजेपी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है और उसका हर दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। मोदी परिवार से ज्यादा हैशटैग मोदी के गवार ट्रेंड कर रहा है, जो बता रहा है कि बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है और उसकी मुसीबत सबसे ज्यादा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान मोदी सरकार को घेर लिया और सवाल किया कि युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है, क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार को युवाओं को रोजगार देने की चिंता नहीं, पीएम सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों की चिंता करते हैं, उनके बारे में ही सोचते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोदी सरकार के युवा विरोधी करार दिया। राहुल ने कहा कि देश के युवाओं एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नियत ही रोजगार देने की नहीं है, नए पद निकालना तो दूर, वे केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मार कर बैठे हैं। अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही माने तो 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली हैं। महत्वपूर्ण विभागों में ही देखें तो रेलवे में 2.93 लाख, गृह मंत्रालय में 1.43 लाख और रक्षा मंत्रालय में 2.64 लाख पद खाली है। राहुल गांधी ने युवाओं से सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30% से अधिक पद खाली क्यों हैं?
झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री के अपने ही कार्यालय में बड़ी संख्या में अति महत्वपूर्ण पद खाली क्यों हैं? स्थायी नौकरी देने को बोझ मानने वाली भाजपा सरकार लगातार संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जहां न सुरक्षा है और न ही सम्मान। खाली पड़े पद देश के युवाओं का हक है और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है। इंडिया का संकल्प है, हम युवाओं के लिए नौकरी के बंदरवाजे खोल देंगे। सवाल रोजगार का है तो सवाल संसद और विधानसभा में नोट लेकर वोट देने का भी है। अभी तक सांसदों और विधायकों को सदन के अंदर होने वाले किसी भी मामले में कानूनी कार्रवाई से छूट मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस छूट को सीमित कर दिया है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। सांसद और विधायकों के आचरण पर कार्रवाई के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यों की बेंच ने 26 साल पुराने अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा की 5 सदस्य वाली बेंच के उस फैसले से सहमत नहीं है, जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने के लिए मुकदमे से छूट दी गई थी। आपको बता दें कि लोकसभा के अंदर नोटों की गड्डियां लहराने से लेकर जनप्रतिनिधियों पर वोट बेचने और सवाल पूछने के लिए पैसे लेने तक के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो 1998 में दिए गए अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि सदन के अंदर की गतिविधियों को लेकर सदस्यों के विशेषाधिकार है, कानून से उन्हें छूट मिली हुई है। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 के मुकाबले 2 के बहुमत से फैसला दिया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसमें अदालत ने पुराने फैसले को पलट दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है, ये मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी, आरोप तब भी बन जाता जिस वक्त कोई सांसद घूस ले लेता। सीजेआई ने कहा अगर कोई सांसद भ्रष्टाचार और घूसखोरी करता है तो ये चीजें भारत के संसदीय लोकतंत्र को समाप्त कर देंगी। आर्टिकल 105 194 में मिले विशेषाधिकार का मकसद सांसद के लिए सदन में भय रहित वातावरण बनाना है। अगर कोई विधायक राज्यसभा इलेक्शन में वोट देने के लिए घूस लेता है तो उसे भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सामना करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संसद या विधानसभा में दिए गए अपमानजनक बयानों को अवैध मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। रिश्वत ली तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, भले ही रिश्वत लेकर काम किया गया हो या नहीं। सांसद और विधायकों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। कोर्ट के फैसले से पूरी स्थिति अब साफ हो गई है, तो दूसरी तरफ वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि मोदी सरकार में वैज्ञानिक आधार पर नहीं पौराणिक कथाओं के आधार पर चीजें तय करने का चलन बढ़ गया है, झूठे नैरेटिव सेट हो रहे हैं, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। 40 वैज्ञानिक संगठनों के संघ ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के राष्ट्रीय सम्मेलन में मोदी सरकार पर तीखा निशाना साधा गया। मोदी सरकार को विज्ञान विरोधी करार दिया गया। कहा गया कि सरकार विज्ञान की जगह अंधविश्वासों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सरकार में बहुसंख्यक वाद हावी है। मोदी सरकार पर वैज्ञानिक सोच घटाने का काम कर रही है, उसकी जगह झूठे नैरेटिव को बढ़ावा दिया जा रहा है। आधुनिक शोध की जगह छद्म विज्ञान और पौराणिक कथाओं को इतिहास मानने के विश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि शोध और विकास के लिए दुनिया भर में सरकारी फंड को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के अनुपात में मापा जाता है, और भारत अपनी GDP का सबसे कम हिस्सा वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च करता है। मोदी राज में ये ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, जिससे भविष्य का भारत चिंता पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में होने वाले रिसर्च में भारत की स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए कहा कि जो भी रिपोर्ट भारत के खिलाफ आती है उसे सरकार खारिज कर देती है।
जबकि ये रिपोर्ट देश की हकीकत को दिखा रही है। वैज्ञानिकों के सवालों से मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के जल्दबाजी में फैसला लेने की रणनीति भी उस पर भारी पड़ गई है। बीजेपी ने 2 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की और कुछ ही देर में संशोधित लिस्ट भी देनी पड़ी। तो कैसे पहली लिस्ट जारी कर घिरी बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम थे उनमें पवन सिंह, जिन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, पार्टी को टिकट लौटा दिया। इसके बाद बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कई सांसदों ने तो राजनीति से ही संन्यास लेने की बात कही है, लेकिन लिस्ट में सबसे बड़ी गड़बड़ी असम के उम्मीदवारों के साथ हुई है। बीजेपी ने उन सीटों से भी उम्मीदवार उतार दिए हैं जो सीटें हैं ही नहीं। दरअसल हाल ही में असम की लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन किया गया था, जिसके बाद कई संसदीय सीटों के नाम बदल गए तो कई की पहचान बदल गई। सामान्य सीट आरक्षित हो गई और आरक्षित सीट सामान्य वर्ग में चली गई और बीजेपी ने पुराने संसदीय क्षेत्रों के आधार पर ही उम्मीदवार घोषित कर दिए। और जब बीजेपी की लिस्ट आई तो पार्टी सवालों के घेरे में घिर गई। दरअसल जिन सीटों में बदलाव हुआ उसमें करीमगंज की सीट पहले अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी जो सामान्य हो गई। ऑटोनोमस जिला जो जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित थे उसका नाम दिफू हो गया, जबकि सिलचर की सीट पहले सामान्य थी वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। मंगलदोई सीट का नाम बदलकर अब दारंग उदालगुरी हो गया है। तेजपुरी का नाम सोनितपुर हो गया। कलियाबोर सीट का नाम कांजीरंगा हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने पहले लिस्ट में पुराने संसदीय क्षेत्रों से ही उम्मीदवार घोषित कर दिए। जब हंगामा मचा तो पार्टी को उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी करनी पड़ गई। ऐसे में खुद को देश की सबसे बड़ी और आधुनिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी की पोल खुल गई है। साफ दिख रहा है कि बीजेपी घबराई हुई है, उसका हर कदम गलत उठ रहा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि केंद्र की सत्ता में जल्द ही बदलाव हो सकता है, तो दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश नेपाल में तो बदलाव हो भी गया। तो कैसे नेपाल में बदल गई सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल का सत्तारूढ़ गठबंधन टूट गया है। करीब एक वर्ष पहले नेपाली कांग्रेस के साथ बना गठबंधन तोड़ते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने प्रमुख विपक्षी दल के नेता केपी शर्मा ओली के साथ हाथ मिला लिया है। प्रचंड ने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है और शाम को नया मंत्रिमंडल भी बना लिया है। फिलहाल माओवादी सेंटर से हित बहादुर तमांग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से पदम गिरी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी केपी आर्याल को मंत्री बनाया गया है। दरअसल नेपाली प्रतिनिधि सभा, जिसे नेपाल की सदन की संसद भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष पद को लेकर गठबंधन सरकार में फूट पड़ गई है। प्रचंड ने पहले नेपाली कांग्रेस को प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान किया था, लेकिन रविवार को अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया और माओवादी सेंटर का उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। दरअसल प्रचंड की नाराजगी को हाल ही में नेपाली कांग्रेस की बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। नेपाली कांग्रेस ने महासमिति के नाम पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 2026 में होने वाले चुनाव में अकेले ही लड़ने का ऐलान किया था, जिससे प्रचंड नाराज हो गए थे। प्रचंड ने इस पर सख्त एतराज जताते हुए कहा था कि जब अभी चुनाव दूर है तो इस तरह की बात कहने की नेपाली कांग्रेस को क्या जरूरत थी, और इसके बाद उन्होंने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया। नेपाल संसद की बात करें तो 275 सदस्यीय सभा में बहुमत के लिए 138 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। माओवादियों के पास 32 सांसद हैं, ओली की पार्टी के पास 78 सांसद हैं, जबकि स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों को मिला दें तो ये संख्या 131 हो जाती है, जो बहुमत से थोड़ा कम रहता है, जिसे छोटी पार्टियों के समर्थन से पूरा किया जा रहा है। नए गठबंधन सरकार को लेकर भारत की चिंता बढ़ती दिख रही है, क्योंकि केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थक माना जाता है।
प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस का साथ छोड़ा और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन कर लिया। पीएम प्रचंड ही रहेंगे, प्रचंड का मन तो बदल गया, लेकिन बीजेपी सरकार का मन कब बदलेगा? कब वो किसानों की मांगों को स्वीकार करेंगे? किसान 3 सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं, दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन किसानों की मांग सुनने को सरकार तैयार नहीं है। इसके बाद किसानों का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या है किसानों का ऐलान, देखिए ये रिपोर्ट। सभी फसलों पर एमएसपी सहित दूसरी मांगों को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन 3 सप्ताह बाद भी कमजोर नहीं पड़ा है। किसान नेता जगजीत सिंह दलेवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो 10 मार्च को रेल रोको विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारा दिल्ली कूच करने का कार्यक्रम जस का तस है, हम उससे पीछे नहीं हटे हैं। हम बॉर्डर पर अपनी ताकत बढ़ाएंगे। 6 मार्च को किसान पूरे देश से ट्रेन बस हवाई मार्ग से दिल्ली आएंगे और हम देखेंगे कि सरकार हमें वहाँ बैठने की इजाज़त कैसे नहीं देगी। इसके साथ ही 10 मार्च को हम 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने अजय मिश्र टेनी को बीजेपी का टिकट मिलना किसानों का अपमान बताया है। बता दें कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों व कृषि मजदूरों के लिए पेंशन और कृषि ऋण माफ करने सहित मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिरी में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। केजरीवाल अब ईडी के सामने पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं, वो भी ऑनलाइन। उनकी बात भी सही है क्योंकि अभी अभी उनके बहुत बड़े विकेट्स जो हैं, दो विकेट्स उनके उड़ चुके हैं। अब देखना यह है कि राजनीति के इस दिग्गज खिलाड़ी को ईडी और कानून के लंबे हाथ कैसे घेरे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।